जन प्रतिनिधि तथा प्रशासन की बेरुखी के कारण दक्षिण सोलापुर जिले के कई गांव बूंद बूंद के लिए तरस रहे। कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के दक्षिण सोलापुर तहसील की। सोलापुर शहर से महज 18 किलोमीटर दूर पर बसा कसे गांव की। वैसे तो यह गांव जिले का सीमावर्ती गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 7,000 है। एक जमाना था इस गांव में 12 महीने हरी भरी खेती हुआ करती थी, लेकिन लगातार मौसम के बदलाव के कारण यहां पर बारिश कम होती गई और एक जमाने में खेती के लिए जाना जाने वाला बड़ा जमीन का हिस्सा वीरान बन चुका है। यहाँ के नागरिक खेती तो क्या इस समय बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। इस गांव को जल आपूर्ति के लिए 1984 में जल परियोजना बनाई गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से यह जल परियोजना बिल्कुल बंद पड़ी है। लेकिन इस पर न किसी प्रशासन का ध्यान है, न ही यहाँ के किसी जन प्रतिनिधि का ध्यान है। गांव में पानी आपूर्ति के लिए गांव के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गांव के आसपास के बोरवेल अधिग्रहित करके जैसे तैसे गांव की प्यास बुझाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हर साल दिसंबर के बाद गांव में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। जितनी पानी की उपलब्धता होती है उसी में काम चलाने के लिए गाँव में जगह जगह पर प्लास्टिक के टंकी लगाए हैं और उन टंकी में पानी भरा जाता है। गांव के लिए जिस कुएं से जल परियोजना बनाई है, कुआं इतना गहरा है कि इस कुएं से पानी निकालने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी निकालते हैं। दक्षिण सोलापुर तहसील के 26 गांव अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हैं। इसके कारण जब नागरिक अक्कलकोट क्षेत्र के विधायक के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो वह विधायक दूसरे तहसील के होने के कारण उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। ग्राम पंचायत ग्राम सेवक पठान कासेगांव गांव में पानी टंकी 1 जनवरी से है। प्रशासन की तरफ से खजगी बोर अधिग्रहण करके लोगों को पानी सुविधा उपलब्ध की है और बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को पीने के पानी की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करके खजगी बोर अधिग्रहण करके जगह जगह पर वाटर सप्लाई की टाकियां रख के, सिंटेक्स टाकियां रख के, पाइपलाइन बना के सभी लोगों को पानी की सुविधा पूरी तरह से दी है और खजगी टैंकर की भी मांगनी की है और गवर्नमेंट की तरफ से भी टैंकर की सुविधा मिलने के लिए कोशिश जारी है। अन्न मिलत नहीं पाण्यासाठी, रात्रभर डोळ्याला झोप मिळत नाही, रात्रीच्या लाईटी तर असे असे जागत बसावं लागते आम्हाला। अजिबात पाणी मिळत नाही, उन्हात असं ताटकळ उभारायचं, कुणाला मिळतंय कुणाला मिळत नाही, उपाशी तापाशी लेकर बाळ घ्यायचं आणि उभारायचं, घरात अन्न करायचं राहतंय तिथंच, आणि ह्या पाण्यासाठीच रात्र देश इथं उभारायचं। लेबर ऊन लागतंय, चक्कर इथे आहे, आणि गावची लोक काय सोय करत नाही। इस गांव की आबादी करीब करीब 7,000 के आसपास है और यहाँ पे पानी की समस्या हर साल पूरे साल में 6 महीने तक कायम रहती है और इस पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए यहाँ के लोगों को गांव से लेकर करीब करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। उसके बावजूद जो पीने का पानी है वो लेने के लिए बस यही एक कुएँ पर डिपेंड रहना पड़ता है और वहाँ पर लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर अंदर से पानी खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये गांव जो है ये सोलापुर ज़िले के सीमावर्ती इलाके में आता है, तो यहाँ पे आज तक शासन और प्रशासन का दुर्लक्ष्य रहा है। उन्होंने कभी गंभीरता से यहाँ के समस्याओं को नहीं देखा है। तो यहाँ के लोगों की या मेरी उम्मीद है कि यहाँ के पानी के समस्या का हल निकलना चाहिए। अगर कदम है, हमारे गाँव में पानी का बड़ी समस्या है और इसलिए इस सरकार ने कुछ करना चाहिए। पानी के लिए सब बाल बच्चा तरस रहा है, जानवर को पीने को पानी नहीं है, आदमी लोग को भी पानी नहीं, थोड़ा बहुत पानी आता है, इतना भीड़ हो जाता है कि भीड़ में किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। फिर दूर दूर खेतों में जाके कहीं बोरवेल चालू है तो वहाँ से पानी लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के सोलापुर से इंडिया लाइव न्यूज़।